हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET वाला। और आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जैक्ट डेट शीट फॉर योर CUET एग्जाम। एग्जैक्ट डेट शीट से मतलब ये है कि आपका CT का इन्फॉर्मेशन कब मिलेगा, एडमिट कार्ड कब, एग्जाम डेट कब है, और अगर एक्सटेंड होगा एग्जाम डेट बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिच तो कब तक फाइनल एग्जाम हो जाएंगे, काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, और आपका कॉलेज कब से स्टार्ट हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। सबसे पहले आपको CT की इन्फॉर्मेशन या इंटीमेशन कब आएगा, 30 अप्रैल को आ जाएगा, ठीक है, आज से करीब 10 दिन बाद। फिर सेकंड वीक ऑफ मई मतलब कि 8 से 13 मई के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा CUET UG 2023 का। फिर 21st to 31st मई आपका एग्जाम चलेगा। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चों की ये डाउट थे कि सर हमारा जैसे कि हमने दो ही सब्जेक्ट लिए तो क्या एग्जाम सेम डे होगा या अलग अलग हो, तो यार देखो वो एग्जाम का शेड्यूल ना NTA डिसाइड करेगा कि किस दिन कौन सा एग्जाम कराना है। हो सकता है कि आपके जो एग्जाम हो वो एक ही दिन हो जाए, या हो सकता है दो दिन या तीन दिन में हो, या एक और दूसरे एग्जाम के बीच में गैप हो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एट ए टाइम ही दो अलग अलग सब्जेक्ट या तीन अलग के एग्जाम चल रहे हो, वो नहीं हो सकता। क्योंकि मान लो कि आपने हिस्ट्री लिया हो, ज्योग्राफी भी लिया हो, एट ए सेम टाइम हो गए तो फिर आप कैसे दोगे, ऑब्वियस ही बात है। तो उस केस में क्या होगा, एट ए टाइम एक एग्जाम हो गया, ठीक है, फिर आपका दोबारा दूसरा एग्जाम हो सकता है उसके जस्ट बाद हो उसी टाइम पे, क्योंकि तीन स्लॉट में होने वाले हैं तो उसी लगातार दो घंटे में हो गया। या ये भी हो सकता है कि आपका मॉर्निंग में हो गया, फिर इवनिंग में हो गया, या फिर कि आज हो गया एक पेपर, एक कल हो गया, तो वो उसका जो है शेड्यूल टाइम टेबल वो NTA बताएगा कि किस दिन कौन सा पेपर होना है, राइट। फिर अगर मान लो कोई टेक्निकल ग्लिच हो जाए, लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कई सेंटर पे कि कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, इंटरनेट चला गया, लाइट चली गई, या सर्वर डाउन हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो एग्जाम डिले हो गया, तो वहाँ एग्जाम कैंसिल हो गया उस लोकेशन पे, जिस भी सेंटर पे हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या है कि दोबारा एग्जाम करेंगे उस सेंटर के लिए, ठीक है, तो उन सेंटर का तो उनका रिजल्ट तो लेट हो जाएगा उस वजह से, तो ऐसे नहीं होगा ना कि बाद में उनका रिजल्ट अलग से आ रहा है, नहीं, रिजल्ट सबका साथ में आएगा, बस ये एग्जाम उनका डिले हो जाएगा उसका। जैसे मान लो कि 24 को होना था, 24 को वहां पे नहीं हुआ, सेंटर पे कुछ इश्यूज हो गए, टेक्निकल ग्लिच, तो अब उनका जो नई डेट जो आएगी वो हफ्ते 10 दिन के अंदर आ जाएगी कि हाँ इस सेंटर पे होगा और इतने बजे होगा। तो आपका अगर एक्सटेंड भी होता है तो 10 जून तक आपके सारा एग्जाम हो जाएगा इन केस ऑफ टेक्निकल ग्लिच। फिर 30 जून को आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि आपका एग्जाम 31 मई तक कंप्लीट हो गया है, तो ऑनलाइन एग्जाम में ये होता है कि रिजल्ट जो है आपको हफ्ते भर में ही दे सकते हैं। वो काफी सारे एग्जाम है लाइक RBI NABARD वगैरह, ये लोग क्या करते हैं रिजल्ट हफ्ते भर में दे देते हैं प्री का, कोई बड़ी चीज नहीं। आजकल तो UPSC ने भी स्टार्ट कर दिया है कि वो भी 10-15 दिन में दे देता है, राइट, जबकि उसमें तो ऑफलाइन पेपर होता है। तो इनमें क्या है कि ऑनलाइन में इतना टाइम नहीं लगता है, तो हो सकता है आपको रिजल्ट जो है हफ्ते 10 दिन में दे देंगे। फिर हमारा जैसे 30 जून से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, लाइक होपफुली हम मान लेते हैं कि आपका एग्जाम अराउंड जो है 31 मई तक ही हो गया है, ठीक है, कोई डिले वगैरह कुछ नहीं है। उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो है एग्जाम का रिजल्ट जो है होपफुली 7 डेज में आ जाएगा, एक वीक में, क्योंकि जनरली जो है ऑनलाइन एग्जाम होते हैं इनमें OMR तो होती नहीं है कि टाइम लगे। इवन OMR वाले जैसे UPSC एग्जाम में आजकल UPSC जो है 10-15 या 20 डेज में निकाल लेता है आराम से, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो यहाँ पे तो ऑनलाइन है, तो NABARD SEBI RBI ये लोग भी हफ्ते भर में रिजल्ट दे देते हैं अपना। तो आपका हफ्ते 10 दिन में रिजल्ट आ गया, उसके बाद अपना काउंसलिंग स्टार्ट होगा कि 30 जून से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद काउंसलिंग आपको जैसे करनी है इनमें DU BHU IPU JMI, ठीक है, DU का तो अपना एक पोर्टल है CSAS, 20 मई से करीब करीब स्टार्ट होगा, राइट। फिर BHU का है पोर्टल, ठीक है, फिर अपना IPU का, IPU तो जो है CUET से तो लेगा ही, पर उससे पहले इससे लेगा, अपना खुद का एग्जाम है IPU सेट, उसका फॉर्म वगैरह अलग से बनना है। फिर JMI हो गया, इसके बारे में मैंने आपको बताया था 20 अप्रैल तक था, तो इनके लिए आपको जो है सेपरेट वो जो फॉर्म होते हैं CSAS फॉर्म होगा, ये लोग रुपए लेंगे इनका, पहले इधर CUET में रुपए लिए, अब अलग से एक फॉर्म फिल करवाएंगे उसका और रुपए लेंगे आपसे, गलत है ये चीज़, बट अब जो भी इनका सेपरेट फी फॉर ऑल दीज पोर्टल, सबके लिए अलग से फी देनी होगी। उसके अलावा आपका 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, लास्ट टाइम तो कोविड की वजह से लेट हो गया था टेक्निकल के लिए दोबारा एग्जाम कराना ये सारा, लेकिन इस बार इनका ये कहना है कि 1 अगस्त से तो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था हमारा आज के सेशन में ऑल द एग्जैक्ट डेटा शीट, ठीक है, तो इस अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर रहें। सो दैट्स इट अबाउट टुडे सेशन, थैंक यू सो मच।